अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पेपिलरी वेरिएंट था कार्सिनोमा का, उसकी और पेपिलरी की फर्दर सब टाइप्स में एक दफ़ा एक और रिवाइज करा देता हूँ। जो पेपिलरी होता है उसमें दो टाइप्स आती हैं, एक कन्वेंशनल और एक उसकी आती है इनकैप्सुलेटेड फॉलिकुलर। अब जो इनकैप्सुलेटेड फॉलिकुलर है उसको हमने फर्दर दो में सब डिवाइड किया हुआ है, इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव फॉलिकुलर थायरॉयड न्यूप्लाज्म विद पेपिलरी लाइक न्यूक्लियर फीचर्स। इसकी अभी सब समझ आ जाएगी कि व्हाट डज इट मीन बाय पेपिलरी लाइक न्यूक्लियर फीचर्स। होता क्या है, जो पेपिलरी वाले कार्सिनोमा होते हैं सबसे कॉमन होते हैं 85% ऑफ द टाइम, यही हमको मिलते हैं बिटवीन एजेस ऑफ 25 एंड 50, एंड इसमें दे आर एसोसिएटेड विद प्रीवियस एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन, क्योंकि वी स्टडीड इन प्रीवियस स्टडी के ये भी एक मेन इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। और ज़्यादातर इंसिडेंटल फाइंडिंग्स में हमको ये मिलते हैं जो पेपिलरी माइक्रोकार्सिनोमा से जिससे अराइज कर रहे होते हैं या जो नॉन इन्वेसिव वेरिएंट होते हैं, दे आर यूजली फाउंड इंसिडेंटली ड्यूरिंग द नेक एग्जामिनेशन। अब जो कन्वेंशनल टाइप है उसमें क्या होता है, सॉलिटरी होगी या मल्टीफोकल होगी, या तो वो वाले ट्यूमर्स वेल सर्कमस्क्राइब्ड होंगे या दे हैव इन्फिल्ट्रेटेड द एडजेसेंट पैरेन्काइमा एंड हैव इलडिफाइंड मार्जिंस। सम ऑफ द ट्यूमर्स दे मे कंटेन एरियाज ऑफ फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशंस एंड आर ऑफन सिस्टिक। जब इनकी कट सर्फिस करती तो हम इसकी में कट सर्फिस में पेपिलरी फोकाई नज़र आते थे, जिसकी वजह से हम ईजिली डायग्नोज कर लेते हैं कि पेपिलरी वेरियंट है। पेपिलरी माइक्रोकार्सिनोमा मेन इसका वो है प्रिकर्सर है जिससे कन्वेंशनल टाइप अराइज करती है। और कुछ माइक्रोस्कोपिक हॉलमार्क्स हैं जो हमें इन न्यूप्लाज्म में मिलते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक हॉलमार्क्स क्या हैं कि एक तो हमको ब्रांचिंग पेपिलास मिलते हैं हैविंग अ फाइब्रोवैस्कुलर स्टॉक कवर्ड बाय सिंगल टू मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, कि जो पेपिला हैं उनकी वो फाइब्रोवैस्कुलर स्टॉक होंगी और फाइब्रोवैस्कुलर स्टॉक्स होंगी दे वुड बी फर्दर कवर्ड बाय सिंगल या मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। न्यूक्लियाई जो मेन न्यूक्लियाई फीचर्स हैं जो कि इसमें याद रखने होंगे वो ये याद रखना होगा कि इसमें ग्राउंड ग्लास या ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियाई की प्रेजेंटेशन मिलती है। व्हाट इज दिस प्रेजेंटेशन, के बेसिकली न्यूक्लियाई दे हैव फाइनली डिस्पर्स क्रोमेटिन एंड दे हैव ऑप्टिकली क्लियर या एम्प्टी अपेयरेंस, एंड दिस अपेयरेंस इज नोन एज ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियाई या ग्राउंड ग्लास न्यूक्लियाई। एंड ऑल्सो ये होता है कि इसमें हमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी इन्वेजिनेशंस मिलती हैं, और इस तरह की इन्वेजिनेशंस मिलती हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर कोई इंक्लूजन्स प्रेजेंट हो, जिसको हम सूडो इंक्लूजन्स नाम देते हैं, कि वो असल में इंक्लूजन नहीं होती, असल में होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन होती है, बट दे आर गिविंग अ अपेयरेंस ऑफ इंक्लूजन, तो एक फॉल्सी अपेयरेंस दे रही होती है इंक्लूजन्स की। सो दैट्स वाई इसमें हमको जो कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियर की जो फाइंडिंग्स मिलती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियर फीचर्स जो मिलते हैं जिसके थ्रू हम डायग्नोसिस करते हैं पेपिलरी कार्सिनोमा का, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पेपिलरी आर्किटेक्चर, वो ये मिलता है कि ऑर्फन एनी आई यानी ग्राउंड ग्लास न्यूक्लियाई की अपीयरेंस मिलती है एंड सूडो इंक्लूजन्स मिलती हैं हमें न्यूक्लियाई की, विच इज यूजली ड्यू टू द इन्वेजिनेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साथ में हमें इसके अंदर समोमा बॉडीज मिलती हैं विद इन द कोर्स ऑफ पेपिला। समोमा बॉडीज आर योर कॉन्सेंट्रिकली कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर्स, और ये हमको ज़्यादातर किस में नज़र आती हैं, ये हमें जो कन्वेंशनल टाइप है उसी में नज़र आती हैं, एंड इसका यही देखा गया कि ये हमको फाइन नीडल एस्पिरेशन में ईजिली नज़र आ जाती हैं। हमको फोकाई मिलता है लिम्फेटिक इन्वेजन्स का, एंड जो फर्स्टली जो मेटास्टेसिस मिलती है दैट वो मिलती है जो फर्स्ट स्ट्रक्चर जिधर हमको मेटास्टेसिस नज़र आती है दैट इज़ यूजली टू जो एडजेसेंट सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। इसकी फिर फर्दर कन्वेंशनल की सब टाइप्स थी, ये जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी टॉल वेरियंट, जो टॉल वेरिएंट होते हैं उसमें बेसिकली हमको टॉल कोलमनार सेल्स मिल रहे होते हैं विद इंटेंसली ईओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म। ये जो टॉल सेल वेरिएंट है ये यूजली ओल्डर एडल्ट्स को अफेक्ट करती है, और इनमें ये देखा जाता है कि देयर इज हाई फ्रीक्वेंसीज ऑफ वैस्कुलर इन्वेजन्स, एक्स्ट्रा थायरॉयडल एक्सटेंशन एंड सर्वाइकल एंड डिस्टेंट मेटास्टेसिस। कौन सी जेनेटिक म्यूटेशन हमें मिल रही होती है, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली थी, मेनली हमें BRAF मिल रही होती है, लेकिन हमें साथ में जो RET और PTC वाली फ्यूजन जीन की म्यूटेशन है वो भी हमें इसमें मिल सकती है टॉल सेल वेरिएंट में। ठीक है, जो एक और वेरिएंट देखा गया विच इज नोन एज डिफ्यूज क्लेरोसिंग वेरिएंट, डिफ्यूज क्लेरोसिंग वेरिएंट को टॉल इस तरह डिफरेंशिएट करने के, जो डिफ्यूज क्लेरोसिंग वेरिएंट है वो यंगर एडल्ट्स में मिलता है या चिल्ड्रन में मिलता है, उसमें जो पेपिलरी ग्रोथ पैटर्न है दैट इज इंटरमिक्स विद सॉलिड एरियाज ऑफ कंटेनिंग नेस्ट ऑफ स्क्वामस मेटाप्लेसिया, एक्सटेंसिव डिफ्यूज फाइब्रोसिस मिलता है, प्रोमिनेंट लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट मिलते हैं विच इज सिमुलेटिंग हैशिमोटोस थायरॉयडाइटिस, के बिल्कुल उसी की तरह का लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट नजर आ रहा होता है जिस तरह हैशिमोटोस में नजर आ रहा होता था। लिम्फ नोड मेटास्टेसिस मिलती है इस केस में, लेकिन इस केस में याद रखना है कि जो टॉल सेल वेरिएंट था उसमें मेनली BRAF म्यूटेशन थी, जो डिफ्यूज क्लेरोसिंग वेरिएंट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ RET और PTC की जो फ्यूजन जीन है वो वाली हमको, वो भी सिर्फ 50% केसेस में सिर्फ उन्हीं जीन्स के में म्यूटेशंस मिलती हैं। देन कम्स योर फॉलिकुलर वेरिएंट, जो कि इसकी दूसरी सब टाइप थी। अब जो फॉलिकुलर वेरिएंट है दैट इज़ आइदर इन्वेसिव एज ए नेम सजेस्ट, कि वो उस जिसका काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा थायरॉयडल वो होगी, एक्सटेंशन होगी उसकी, काफ़ी सारी डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो रही होगी,
जो नॉन इन्वेसिव होता है, नॉन इन्वेसिव में क्या मिल रहा होता है, जो नॉन इन्वेसिव फॉलिकुलर वेरिएंट होता है उसमें बेसिकली जो पेपिलरी के ये जो न्यूक्लियर फीचर्स थे ना वो नज़र आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसको ये नाम दिया गया कि नॉन इन्वेसिव फॉलिकुलर थायरॉयड न्यूप्लाज्म विद पेपिलरी लाइक न्यूक्लियर फीचर्स, के ये वाली न्यूक्लियर फीचर्स हमको नॉन इन्वेसिव फॉलिकुलर वेरिएंट में मिल रहे होते हैं, कि वही ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियर नज़र आ रहा होता है, सोडियम इंक्लूजन नज़र आ रही होती हैं हमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो दैट वाज बेसिकली दैट वाज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, के जो फॉलिकुलर वेरिएंट है जो इन्वेसिव है वो तो ऑब्वियसली इन्वेट कर जाएगी आसपास, डिस्टल मेटास्टेसिस भी इसमें नजर आएगा एज द नेम सजेस्ट। नॉन इन्वेसिव होगी उसमें हमको पेपिलरी लाइक न्यूक्लियर फीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली नज़र आ रहे होते हैं, और जो उनकी जेनेटिक म्यूटेशन हैं वो हम फॉलिकुलर में अलग से पढ़ लेंगे। पिछली वीडियो में भी मैंने पढ़ा दी थी कि इनमें ज़्यादातर रैस की म्यूटेशन या पैक्स 8 और PPARG वाली फ्यूजन जीन्स, और उसके अलावा PIK3CA की गेन ऑफ फंक्शन एंड P10 की लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इसमें हमको मिल रही होती हैं। तो इनके फीचर्स की अगर हम बात करें तो जो कन्वेंशनल होता है वो ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक थायरॉयड नोड्यूल्स इसमें हमको मिल रहे होते हैं। पहली जो इसकी मैनिफेस्टेशन मिलती है दैट इज़ योर मैस इन योर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, और बहुत अगर एडवांस हो जाए ये डिजीज़ देन हमको सिम्टम्स मिलते हैं क्या कहते हैं डिस्निया के, डिस्फेजिया के, हॉर्सनेस के, और बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ पी या बहुत माइनॉरिटी पेशेंट्स में देखा जाता है कि हीमेटोजेनस मेटास्टेसिस हो चुका होता है लंग्स के लेवल पे। इसकी हम डायग्नोसिस किसके थ्रू करते हैं, रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैनिंग के थ्रू एंड फाइन नीडल एस्पिरेशन के थ्रू। सिंटीग्राफी याद रखना होगा, सिंटीग्राफी एक डायग्नोस्टिक का प्रोसीजर होता है, इस सिंटीग्राफी में याद रखना होगा हमको पेपिलरी कार्सिनोमास के कोल्ड मैसेस नज़र आ रहे होते हैं जिसके थ्रू हम डायग्नोस करते हैं। जो इसकी अगर प्रोग्नोसिस की बात की जाए तो इसकी काफ़ी अच्छी प्रोग्नोसिस है कि इसका जो 10 ईयर सर्वाइवल रेट है दैट इज़ एक्सेस ऑफ 95% की, 95% प्लस है इसका जो 10 ईयर सर्वाइवल रेट है। एंड जो इसकी प्रोग्नोसिस होती है, प्रोग्नोसिस के लिए सिर्फ हमको लोबेक्टमी करानी पड़ती है कि एक छोटा सा लोब ले लें थायरॉयड का, पूरी थायरॉयडेक्टमी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और थायरॉयडेक्टमी को कम से कम उसका यूज़ किया जाता है, थायरॉयडेक्टमी को ज़्यादातर डिस्करेज किया जाता है, लोबेक्टमी को ज़्यादा इंकरेज किया जाता है, क्योंकि अगर हम पूरी थायरॉयडेक्टमी करा देंगे तो देयर इज़ अ चांस इट मे लीड टू वोकल कॉर्ड पैलसी ड्यू टू इंजरी ऑफ द लैरिंजियल नर्व, एंड देर इज़ ऑल्सो चांस कि अगर पूरा थायरॉयड ग्लैंड रिमूव हो जाए तो आयाट्रोजेनिक हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा, क्योंकि थायरॉयड के हॉर्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे होंगे। जो 5-20% ऑफ पेशेंट्स हैं उनमें देखा गया कि उनमें कभी कभी इसकी पेपिलरी लाइक कार्सिनोमा की लोकल या रीजनल रिकरेंस हो जाती है, और सिर्फ 10-15% पेशेंट में डिस्टल मेटास्टेसिस मिलते हैं। जो प्रोग्नोसिस है तो प्रोग्नोसिस डिपेंड्स अपॉन एक्स्ट्रा थायरॉयडल एक्सटेंशन, डिस्टल मेटास्टेसिस विच इज़ बेसिकली स्टेजिंग, एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एज। यूजली ये देखा गया कि अगर तो 40 जो पेशेंट जो 40 अबव हो उसको अगर पेपिलरी नियोप्लाज्म हो जाए उनमें थोड़ी लेस फेवरेबल प्रोग्नोसिस होती है, लेकिन बहुत कम ही इसके चांसेस होते हैं, क्योंकि हमने ज़्यादातर देख लिया था कि ज़्यादातर जिन पेशेंट्स को पेपिलरी लाइक कार्सिनोमा होते हैं दे ऑकर बिटवीन 25 and 50 ईयर्स ऑफ एज। तो खैर ये 3 फैक्टर्स थे जो कि प्रोग्नोसिस के याद रखने होंगे, एज, एक्स्ट्रा थायरॉयडल एक्सटेंशन एंड डिस्टल मेटास्टेसिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज द स्टेज ऑफ द ट्यूमर। सो दैट वॉज ऑल रिलेटेड टू द पेपिलरी कार्सिनोमा, आई होप ईजली समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।